तो चलिए देखते हैं विद्या में कैसे हम अपने स्कूल का फुल अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ऐड ग्रेड और ऐड सेक्शन है वो ग्रीन कलर से है, यानी कि हम ये स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें टीचर ऐड करना है। सबसे पहले हम ऐड टीचर पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ऐड न्यू टीचर पे क्लिक करना है। कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी टीचर की, आपको फिलअप करना है यहाँ पे, जैसे कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड आप यहां पर टाइप कर सकते हैं, और पासवर्ड आपको यहां पर टाइप करना है, और पासवर्ड आपको यहां पर टाइप करना है, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं टीचर ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, और ऐड टीचर अभी ग्रीन कलर से आ रहा है। चाहे तो मल्टीपल टीचर भी यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके कर सकते हैं। टीचर की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड टीचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव सेटिंग्स जो आ रहा है वो नॉट कनेक्टेड आ रहा है, यानी कि आपके टीचर अभी भी वेब से यानी कि डेस्कटॉप से लाइव क्लास नहीं चालू कर सकते हैं। उसके लिए पहले उन्हें कुछ सेटिंग्स कन्फिगर करनी पड़ेंगी कनेक्ट पे क्लिक करके, या उनके लिए आप कर सकते हैं, या फिर वो भी अपने पैनल से डायरेक्टली कर सकते हैं। ये चीज है यहाँ पर, और अगर आप चाहें तो आप इनको इनविटेशन ईमेल भी यहीं से डायरेक्टली भेज सकते हैं। जो मेल वाला आइकॉन है इस पर क्लिक करके आप उनको डायरेक्टली इनवाइट भेज सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं कि हम स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वाला यहाँ पर पैनल है, यहाँ पर आ रहा है इनवाइट स्टूडेंट्स। सो विद्या में क्या होता है, सपोज आपके स्कूल में मान लीजिए 500 से लेकर 1000 के बीच में हमने जो सेलेक्ट किया था, स्कूल में करीब करीब 800 स्टूडेंट्स हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एक करके आपको एक एक स्टूडेंट वहाँ पर नहीं डालना पड़ेगा, आपको इन्वाइट स्टूडेंट पर क्लिक करना है, और ये मैसेज आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, हेलो नाउ वी विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लास ऑन विद्या, ये ज्वाइनिंग कोड है आपका, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और सेम कोड आपको यहाँ पर ऊपर भी मिलेगा। तो आप यहाँ से इनवाइट स्टूडेंट, ये आपका ज्वाइनिंग कोड है, और नीचे क्लिक बिलो लिंक टू प्रोसीड, यानी आपके स्कूल की ये नीचे वाली लिंक पे स्टूडेंट को एक बार क्लिक करना होगा। तो उससे अगर वो फ़ोन से ट्राई करते हैं तो उनके में एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपके स्कूल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर अगर डेस्कटॉप पे करते हैं यानी किसी पीसी पर करते हैं तो उनके में एक डेस्कटॉप का अलग पेज खुल जाएगा जहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर आपको उन्हें वेरीफाई करना होगा। तो आपको ये मैसेज मिलने के लिए आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर यहां पर डला हुआ है। मैं इसको अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और मैंने व्हाट्सएप पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप पर या आप जिसका भी व्हाट्सएप डालेंगे उस पर ये मैसेज आपके पास आ जाएगा। फिर आप ये मैसेज अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो लोग यहाँ से आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला, अगर किसी का आपका कोई भी स्टूडेंट सपोज वो लिंक अपने किसी फ्रेंड को फॉरवर्ड कर देता है जो कि आपके स्कूल का स्टूडेंट नहीं है, तो क्या होगा, क्या वो भी आपकी लाइव क्लास देख पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे आपको यहाँ पर उनकी लिस्ट दिखाई देने लगेगी कि ये स्टूडेंट आपके स्कूल से कनेक्ट करना चाहता है। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट वेरीफाइड होगा सिर्फ वही आपकी लाइव क्लास को अटेंड कर सकता है, और सेम चीज़ जो आपके पास है वेरीफिकेशन की पावर, आपके टीचर्स के पास भी ये पावर होगी, वो लोग भी वेरीफाई या रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिक्वेस्ट को। सो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगी, आपको उन्हें एक एक करके ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपका जो मेन अकाउंट सेटअप था, फुल अकाउंट सेटअप, वो कम्प्लीट हो चुका है। अब जो आपके टीचर्स हैं वो या तो डेस्कटॉप से या फिर एंड्रॉयड फ़ोन से अपनी लाइव क्लास चालू कर सकते हैं। उनके पास भी कुछ ट्यूटोरियल्स आएंगे जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि हम लाइव क्लास किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।